तो मेरे पास आई हुई एक्टिवा, ठीक है, उसका आवाज़ सुना देता हूँ। रेस दे, ठीक है बोलते हैं इंजन। ये एक्टिवा का इंजन है, देखो इसमें मिट्टी जमी हुई, उसका पाइप ही नहीं था, ठीक है, इसकी वजह से खोलना पड़ा। देखो इसके अंदर से कितनी मिट्टी निकली है, पूरी मिट्टी भरी हुई है, ठीक है, ये देखो पूरी रेत है, ये देखो दिखाता हूँ, ये देखो पाइप नहीं लगे होने के कारण इसमें रेत भर गई, पूरी इधर भी है और ये देखो इधर भी पूरी मिट्टी है, ठीक है, इसीलिए ऐसा गियर बॉक्स खोलें, ठीक है, और इसे क्रैंक की कंडीशन दिखा देता हूँ, ऐसे तो चाल है ही है, ठीक है, और ये देखो, ठीक है, इसमें खड़े में भी चाल आ गई है और साइड पे तो कुछ ज्यादा ही है, ठीक है। तो ये चेंबर है, देखो कितना ज्यादा गंदा है, ठीक है, इसे करते हैं क्लीन, ये देखो करते हैं क्लीन, ठीक है, देख लो इसकी हालत, इसे करते हैं क्लीन, मैं दिखाता हूँ आगे। तो हमने इंजन वॉश कर लिया, ठीक है, वो देख लो इसको, देखो ठीक है, अच्छे से वॉश कर लिया, और इसमें लाल मिट्टी जमी हुई है जो कि निकली नहीं रही है, फिर वो ब्रश भी मार दिया उसके बाद भी छूट नहीं रहा वो, ठीक है, तो करते हैं इसकी गियर बॉक्स की फिटिंग। तो गियर कुछ इस तरीके से बैठेगा, ठीक है, ये वाला शाफ्ट यहाँ चल जाएगा, और ये इसका ध्यान रखना है कि ये पलटी ना हो जाए, तो इस चीज का ध्यान रखना है। देखो मार्किंग निशान दिख रहा है गियर के चलने का, ठीक है, और ये निशान इसके चलने से आता है, ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे बैठ जाएगा हमारा गियर को, ठीक है, तो अब इसको लगाते हैं, ठीक है, कंप्लीट कर चुके हैं, पैकिंग भी रख चुके हैं, मैं लगा लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ। तो इसी गाइड बदल चुके हैं, ठीक है, ये रही इसे पुरानी गाइड, ये देखो इसमें लाइन आ गई है, ठीक है, ये गाइड बदल रहा है और चेन को कुछ इस तरीके से फंसा लेंगे, और ये करा कर क्रैंक, तो देखो पहले आवाज आ रही थी, अब देखो कोई आवाज नहीं है, ठीक है, ये हो गया। अब इसके इस वाले शाफ्ट को लेंगे, हमारा क्रैंक बैठ गया, ठीक है, और कभी भी फिटिंग करते समय ये देख लेंगे कैसे लगा कि ये ज्यादा हिल तो नहीं रहा है, अगर क्रैंक आउट होगा तो ये समझ आ जाएगा। तो इसी क्रैंक और मैग्नेट फंसा चुके हैं, ठीक है, पैकिंग लगा चुके हैं, ठीक है, जैसे कंप्लीट हो गया, इसे करते हैं फिट और थोड़ा सा आगे, ठीक है, एक नई गाइड लगा चुके हैं और लगाते हैं दूसरी वाली गाइड, सॉरी ब्लॉक बैठाते हैं फिर लगाएंगे गाइड। तो देखो पैकिंग और डावेल लगा चुके हैं, ठीक है, ये रहा ब्लॉक, ठीक है, लगाते हैं पिस्टन को। तो इसके वॉल को हमने कुछ भी नहीं किया क्योंकि इसमें कोई भी काम नहीं था, पिस्टन भी पुराना है, ठीक है, इसमें खाली रिंग नए डाले हैं, ठीक है, क्योंकि इसका पहले ही कोई काम करवा चुका था, किसी ने काम किया था पर क्रैंक छोड़ दिया था, तो इसमें रिंग नए हैं, पैकिंग सारी नहीं लगा रहे हैं, गाइड नहीं डाल रहे हैं, ठीक है, तो करते हैं इसे फिट, डावेल लगा चुके हैं, तो लगाते हैं इसके हेड के बोल्ट, सॉरी नट लगाते हैं, ऐसे वॉशर होंगे चौड़े चौड़े, ठीक है, इन चारों बोल्ट नट को टाइट करने के बाद ही हम ये वाले स्टार्ट टाइट करेंगे, ठीक है, तो टाइट कर लेता हूँ, मैं दिखाता हूँ सभी बोल्ट लगा लेता हूँ।
तो इसे कर चुका है टाइट, ठीक है, सब लगा चुका है। अब आ रही है इसकी, ये एरो ऊपर की तरफ होना चाहिए, ये जो भाग है, ठीक है, ये जगह कैम फ्री है, ठीक है। इस जगह पे टाइमिंग सेट होगी, ठीक है। तो मैं इसे टाइमिंग दिखाता हूँ, ये टी का निशान इसके सामने रहेगा, ठीक है, और ये वाला भाग इधर रहेगा, ठीक है, ऐसे सीधा, और ये ऐसे लग जाएगा, ठीक है। तो मैं लगा लेता हूँ फिर दिखाता हूँ। तो भाई टाइमिंग मिला चुके हैं, ठीक है, ये आ गया इधर, और इधर देखो टी का निशान, ठीक है, देखो टी का निशान, और ये, ठीक है। तो टेंशन लगा लेते हैं और कैप लगाना है, अब मैं फाइनली दिखाऊंगा गाड़ी चालू करके, ठीक है। तो एक्टिवा कर चुके हैं कंप्लीट, सुनाता हूँ आवाज, चल कर दिया। रेस देना भैया।